इस वीडियो का जो टॉपिक है ना, वो है जो डस्ट स्टॉर्म ऑफ द सहारा था, ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेज और उसके सोल्यूशंस क्या हैं। जो सहारा डेजर्ट है ना, वो स्ट्रेच कर रहा है अक्रॉस द नॉर्थर्न अफ्रीका जी फॉर इट्स एरिड लैंडस्केप्स और स्कॉर्चिंग टेम्परेचर की वजह से। बट देर इज़ अनदर फिनोमेना जो कि राइज हो रहा है इस वास्ट डेजर्ट में, जिसके फॉर रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज हैं ग्लोबल स्केल पे। इन द रिसेंट ईयर्स जो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी थी ना इन डस्ट स्टॉर्म्स की, इंक्रीज हो रही थी, पोज कर रही थी सिग्निफिकेंट चैलेंज बोथ इन्वायरमेंट और हेल्थ को। जो डस्ट स्टॉर्म्स है ना सहारा में, वो अक्कर करते हैं जब स्ट्रॉन्ग विंड लिफ्ट करती है ना लार्ज अमाउंट ऑफ फाइन पार्टिकल्स को डेजर्ट सरफेस से एटमोसफेयर में। ये जो पार्टिकल्स हैं ना, ट्रेवल करते हैं थाउजेंड ऑफ किलोमीटर क्रॉसिंग कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। द ट्रांसपोर्ट ऑफ सहारन डस्ट कैन हैव वेरियस ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेज। वन मेजर इम्पैक्ट इज़ ऑन एयर क्वालिटी। जब ये डस्ट स्टॉर्म ना रीच करते हैं ना पॉपुलेटेड एरियाज को, ये कॉज करते हैं एयर पोल्यूशन, रिड्यूस करते हैं विजिबिलिटी को, पोज करते हैं हेल्थ रिस्क को, स्पेशली फॉर इंडिविजुअल विद रिस्पायरेटरी कंडीशंस। जो सहारन डस्ट है ना, वो सिर्फ अफ्रीका को अफेक्ट नहीं करती, उसके नेबरिंग रीजन को, इसके फॉर रीचिंग मतलब एरिया जैसे कि अमेरिका इन्फ्लुएंस करती है वेदर पैटर्न को, और इवन इफेक्ट करती है मैरीन इकोसिस्टम्स को। जो है ना सहारन डस्ट, ये कंटेन करती है इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जैसे कि आयरन हो गया, जो कि फर्टिलाइज करते हैं ओशन सरफेस को जब वो डिपॉजिट होते हैं। ये काज करती है एल्जियल ब्लूम को और इम्पैक्ट करती है बायोडाइवर्सिटी को। साइंटिस्ट आर एक्टिवली ना मतलब स्टडिंग कम्प्लेक्स इंट्रैक्शन सहारा डेजर्ट के डस्ट के क्लाइमेट चेंज के और इकोसिस्टम के, टू बेटर अंडरस्टैंड उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स को। अगर हम एड्रेस करें ना जो चैलेंजेस पोज होते हैं सहारन डस्ट स्टॉर्म्स की वजह से, ये रिक्वायर करते हैं मल्टीफेसेटेड अप्रोच। वन की एस्पेक्ट इज़ इम्प्रूविंग अर्ली वार्निंग सिस्टम, ताकि हम अलर्ट कर सकें कम्युनिटीज़ को अबाउट अप्रोचिंग डस्ट स्टॉर्म्स। और बेसिकली जो है ना, बाय इन्हेंसिंग आवर मोनिटरिंग अबिलिटीज़ और यूजिंग एडवांस मॉडलिंग टेक्निक्स, हम प्रोवाइड कर सकते हैं टाइमली इंफॉर्मेशन टू हेल्प पीपल प्रिपेयर फॉर डस्ट स्टॉर्म्स और मिनिमाइज कर सकें उनके इम्पैक्ट को। जो अनदर क्रूशियल स्टेप है ना, इन्वेस्टिंग इन इनिशिएटिव जो कि प्रमोट करते हैं डेजर्ट रिस्टोरेशन को, सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट को सहारन रीजन में। अगर हम प्रोटेक्ट करें ना, रिहेबिलिटेट करें डेजर्ट इकोसिस्टम को, ये हेल्प कर सकता है हम रिड्यूस करें डस्ट इमिशंस को और इन्हेंस करें रिजिलेंस लोकल कम्युनिटीज़ का। जो डस्ट स्टॉर्म है ना सहारन का, वो मे बी अ फॉर्मिडेबल चैलेंज, बट बाय वर्किंग टुगेदर और इम्प्लीमेंट करें ना सस्टेनेबल सोल्यूशंस को, हम मिटिगेट कर सकते हैं ग्लोबल क्राइसिस को और क्रिएट कर सकते हैं हेल्दियर प्लानट फ्यूचर जनरेशन के लिए। अगर इस टॉपिक के रिलेटेड कुछ बुक्स की बात कीजिए, नंबर वन पे है सहारा द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट बाय मैरक डी विलियर। नंबर टू पे है डस्ट बाउल द साउथर्न प्लेन्स इन द 1930s बाय डोनट वोस्टर। नंबर थ्री पे द सहारा अ कल्चरल हिस्ट्री बाय एमन ग्यूरन। नंबर फोर पर है द ग्रेट डेजर्ट अ नेचुरल प्री हिस्ट्री ऑफ द नॉर्थ अमेरिका डेजर्ट बाय जॉर्ज ओल्डिंग। नंबर फाइव पर है डस्ट स्टॉर्म द हजार्ड दैट कम्स एंड गोज बाय जॉहन एम हैंडमर एंड स्टीफन डोवर्स।